काफी अच्छी देखिए ग्रेनाइट की वर्क किया गया है इस पे, और यहाँ लाइटिंग का वर्क है, सीएनसी का भी वर्क किया गया है। करते देखिए आपको काफी बड़ी पार्किंग मिल जाती है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी, एक इधर और एक इधर पार्क हो जाएगी। कार पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे जो है सूज स्टैंड बनाया है हमने, और यहाँ पे इन्वर्टर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे गैस सिलेंडर का पॉइंट है, ठीक है। इसी के ऊपर आपका झूमर दिया हुआ है जो कि घर के लुक को बढ़ाता है। ये जो आप देख रहे हैं गमले यहाँ आप रख सकते हैं, और फुल टाइलिंग देखिए हमने वॉल पे यूज किया है, फुल टाइलिंग का वर्क है, ठीक है। आप इस वॉल पे दिखाइए काफी ग्रेनाइट का वर्क है, टाइल का वर्क है, ठीक है, यूनिक। और ये अलग पैटर्न का विंडो हमारी एल्युमिनियम की है, और ये चौखट हमारी पीपीजीआई मेटल है, तो लकड़ी नहीं, दीमक नहीं लगेगी। अच्छा, सबमर्सिबल करा के दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको कार वगैरह धुलनी हो, वॉश करना हो, ठीक है जी जी। एंट्री देखिए काफी अच्छी हमने पम्पिंग करा रखी है खूबसूरती के लिए, और एंट्री आपकी 4 फीट वाइड है, 4 फीट थोड़ी वाइड है। ये गेस्ट रूम है 18 फीट बाई 14 फीट का, एलईडी पैनल के साथ, फुल्ली फर्निश घर रहेगा, विथ एसी, बेड, एवरीथिंग, सारी चीजें, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम आ गए अपने डाइनिंग एरिया में। ये डाइनिंग एरिया है, और इसकी ये लग्जरी साइज है 25 फीट बाई 16 फीट, 25 बाई 16। सीढ़ी के नीचे आप दिखाइए, ठीक है, कितना यूनिक वर्क किया है, ठीक है। किचन हमारा साइज है 12 बाई 14 फीट का, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, विथ फ्रिज, एवरीथिंग, फ्रिज, एक्वागार्ड, आरो, गीजर, डबल सिंक आपको मिल रहा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये देखिए 14 फीट वाइड आपको इंटीरियर वर्क मिल रहा है, 14 बाई 8 फीट का, विथ फॉर सीलिंग, झूमर भी इस पे काफी खूबसूरत दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी एक अच्छा लुक बना हुआ है। इस रूम से अटैच बाथरूम है, इसका मैं साइज बताना चाहूंगा, 10 फीट बाई 6 फीट इसका साइज है। सेरा की फिटिंग आपको मिलेगी, हर चीज ब्रांडेड होने वाली है, और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सारी चीजें ब्रांडेड है, और एक क्वालिटी है हर चीजों में, ठीक है। टाइल्स की बात करें तो ये जीवीटी टाइल्स है, जीवीटी टाइल्स रूम के बराबर है। साइज की बात करें 18 फीट बाई 14 फीट का है, और अटैच आपको बाथरूम मिल रहा है, ये देखिए 8। तो ये वेंटिलेशन एरिया है, प्लस वॉशिंग एरिया है, और एक साइज इसका सबसे बड़ी खासियत है, ये 30 बाई 10 फीट का है, 30 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है। बच्चे अगर यहाँ गेम भी खेलना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल गेम भी खेल सकते हैं, और कपड़ा आपका वहाँ वॉशिंग मशीन का पॉइंट बनाएंगे। देख रहे हैं आप काफी स्पेशियस है ये, 3 फीट की टाइलिंग की गई है। हमारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी, कोई ऐसा घर बनवाना चाहता है कि नहीं मुझे घर आपसे ही बनवाना है, ऐसा ही बनवाना है, लोकेशन नहीं सोचा है, तो मैं उनका भी घर बना सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन का भी काम आप जी बिल्कुल। हमने छत पे काफी वर्क किया है, छत पे एक स्टोर रूम भी आपको मिलेगा, और फुल टाइलिंग देखिए की हुई है, देख रहे हैं आप जी। और आप छत दिखाइए, आप दूर से कितना बड़ा आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ आपको 100 लोग को बुलाना हो तो यहाँ आप बुला सकते हैं, और यहाँ से आप पूरा नजारा ले सकते हैं। गेटेड कॉलोनी की बात कर रहे थे तो ये है पूरी देवा जी जी। और कुछ बाकी इस घर में, बाकी इस घर की मैं क्या कहूँ, ये घर नहीं, ये महल है। हाँ। और जो भी इस घर में आएगा उसको हाँ। बंगलो वाली फील आएगी। हाँ। जी, पड़ोसियों के भी मामले में और लोकेशन के भी जी मामले जी में। जी काफी अच्छी देखिए ग्रेनाइट की वर्क किया गया है इस पे, और यहाँ लाइटिंग का वर्क है, सीएनसी का भी वर्क किया गया है। और मकान में इंटर करते देखिए आपको काफी बड़ी पार्किंग मिल जाती है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी, एक इधर और एक इधर पार्क हो जाएगी, ठीक। कार पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे जो है सूज स्टैंड बनाया है हमने, और यहाँ पे इन्वर्टर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे गैस सिलेंडर का पॉइंट है, ठीक है। इसी के ऊपर आपका झूमर दिया हुआ है जो कि घर के लुक को बढ़ाता है, जलेगा तो और खूबसूरत लगेगा। और आगे चलते हैं, काफी स्पेशियस ये आपका कार पार्किंग का एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं गमले यहाँ आप रख सकते हैं, और फुल टाइलिंग देखिए हमने वॉल पे यूज किया है, फुल टाइलिंग का वर्क है, ठीक है। आप इस वॉल पे दिखाइए काफी ग्रेनाइट का वर्क है, टाइल का वर्क है, ठीक है, यूनिक। और ये अलग पैटर्न का है, विंडो हमारी एल्युमिनियम की है, और ये चौखट हमारी पीपीजीआई मेटल है, तो लकड़ी नहीं, दीमक नहीं लगेगी। अच्छा चलिए भाई, ये और एक खासियत है, ये लकड़ी का नहीं है आपका, इसमें दीमक नहीं लगनी है। ये आपका फोर
चार पहिए टू व्हीलर की पार्किंग है, चार गाड़ियों की, काफी लंबी पार्किंग है ये। यहाँ पे आपको एक मिल गया है रास्ता, यहाँ पे सबमर्सिबल करा के दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको कार वगैरह धुलनी हो, वॉश करना हो, ठीक है जी। आइए अब चलते हैं, आपको इस बाहर से जितना ये खूबसूरत लग रहा है उससे जस्ट डबल खूबसूरत अंदर से, तो चलिए आपको अंदर से दिखाना शुरू करते हैं जी। एंट्री देखिए काफी अच्छी हमने प्लम्बिंग करा रखी है खूबसूरती के लिए, और एंट्री आपकी 4 फीट वाइड है, 4 फीट चौड़ी वाइड है। ये गेस्ट रूम है 18 फीट बाई 14 फीट का, एलईडी पैनल के साथ, और अटैच बाथरूम है, 8 बाई 6 फीट इसका साइज है। बाथरूम में भी आपको फॉर सीलिंग मिलेगी पूरी, और अच्छा इसके इंटीरियर सारे ब्रांडेड रहेंगे, सारे सेरा फिटिंग की ब्रांड है, जो भी बाथरूम में फिटिंग हुई सेरा ब्रांड की है, ठीक है। और इनमें विंडो की साइजेस अगर आपसे पूछ, विंडो ये 6 बाई 5 फीट का है, 6 फीट चौड़ा है, 5 फीट हाइट है, ठीक है। और दो विंडो मिल रही है, कर्टेन हम देखिए लगा के दे रहे हैं, देखिए पूरे घर में दो विंडो, इस कमरे में 2 विंडो मिल रही है, एल शेप में वहाँ आपका सोफा लग जाएगा, ठीक है। तो ये सोफा सेट वही आप प्रोवाइड करा के देंगे जी, फुल्ली फर्निश्ड घर रहेगा, विद एसी, बेड, एवरीथिंग, सारी चीजें सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब हम आ गए अपने डाइनिंग एरिया में, ये डाइनिंग एरिया है, और इसकी ये लग्जरी साइज है 25 फीट बाई 16 फीट, 25 बाई, सीढ़ी के नीचे आप दिखाइए, ठीक है, कितना यूनिक वर्क किया गया है यहाँ पे, आपका कह सकते हैं आपका पूरा एक अमाउंट बचा लिया गया, स्टोरेज को यूटिलाइज किया गया अच्छे से, और किसी डाइनिंग एरिया से अटैच ये हमारा किचन एरिया है, ठीक है। किचन हमारा साइज है 12 बाई 14 फीट का, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, विद फ्रिज, एवरीथिंग, फ्रिज, एक्वागार्ड, आरओ, गीजर, डबल सिंक आपको मिल रहा है, लिव गार्ड का आपको आरओ मिल रहा है, डबल सिंक मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक पैटर्न पे देखिए हमने बनाया इंटीरियर, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। कॉफी मशीन भी इसी के साथ मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये भी ओरिएंट के आपको फैन मिल रहे हैं, ठीक है, और फेवर ब्रांड की चिमनी आपको मिलेगी, आ जाएगी, तो काफी खूबसूरत किचन है, उसके बगल में निकलते हैं, ये डाइनिंग एरिया था, लिविंग एरिया था, चलिए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये देखिए 14 फीट वाइड आपको इंटीरियर वर्क मिल रहा है, 14 बाई 8 फीट का, विद फॉर सीलिंग, झूमर भी इस पे काफी खूबसूरत दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी एक अच्छा लुक बना हुआ है। इस रूम से अटैच है बाथरूम है, इसका मैं साइज बताना चाहूंगा, 10 फीट बाई 6 फीट इसका साइज है, सेरा की फिटिंग आपको मिलेगी, हर चीज ब्रांडेड होने वाली है, और क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, सारी चीजें ब्रांडेड है, और एक क्वालिटी है हर चीजों में, ठीक है। टाइल्स की बात करें तो ये जीवीटी टाइल्स है, जीवीटी टाइल्स जी। ये सेकेंड रूम की तरफ चलते हैं, और सेकेंड रूम भी हमारा एक मास्टर बेडरूम के बराबर है, साइज की बात करें 18 फीट बाई 14 फीट का है, और अटैच आपको बाथरूम मिल रहा है, ये देखिए 8 बाई 6 फीट की इसकी साइज है बाथरूम की, 8 बाई 6 फीट जी। और सीलिंग वगैरह से काफी खूबसूरत इसमें दी गई हुई सेरा की, इसमें भी ब्रांडिंग है, सारे वॉशरूम में सारे सब में पूरा इंटीरियर का ब्रांडेड मिलेगा जी, ब्रांडेड मिलेगा। थोड़े से आप बाहर आएंगे तो ये वेंटिलेशन एरिया है, प्लस वॉशिंग एरिया है, और एक साइज इसका सबसे बड़ी खासियत है, ये 30 बाई 10 फीट का है, 30 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, बच्चे अगर यहाँ गेम भी खेलना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल गेम भी खेल सकते हैं, और कपड़ा आपका वहाँ वॉशिंग मशीन का पॉइंट बनाएगा, देख रहे हैं आप काफी स्पेशियस है ये, 3 फीट की टाइलिंग की गई है, पानी वाला एरिया है तो दीवार सीलन ना ले जी, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर का भी दिखा देते हैं देवजी, बिल्कुल आइए, तो और भी आपसे जानना चाहेंगे, इसके बगल वाला जो हमारे था वो हमने कब डिलीवर बनाया, कब डिलीवर किया, वो अभी रिसेंटली सिक्स मंथ्स पहले डिलीवर किया है, अच्छा, और हमारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी, कोई ऐसा घर बनवाना चाहता है कि नहीं मुझे घर आपसे ही बनवाना है, ऐसा ही बनवाना है, लोकेशन नहीं सोचा है, तो मैं उनका भी घर बना सकता हूँ, अच्छा अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन का भी काम आप जी, बिल्कुल। मैंने 6 करोड़ के घर में एक ऐसी फॉर सीलिंग देखी थी, वो अपने घर में उतारा है, इम्प्लीमेंट किया, बिल्कुल। चलिए, ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर रूम है, अटैच बाथरूम, ठीक है, अपने ये सिक्स रूम है अपना, साइज की बात करें 18 फीट बाई 14 फीट इसका भी साइज है, यहाँ आपको एलईडी पैनल लगा के दे रहे हैं, आपका पीछे भी एक्सेस है, यहाँ पे भी आपको एक किचन हमने बनाया है, अच्छा, ये भी फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, ये आप देखिए,
फेवर की चिमनी आपको मिल रही है, यहाँ भी आपको फ्रेश दिया जाएगा। जी ये भी देखिए फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, आप ये देखिए हाइड्रोलिक है पूरा। ठीक है आइए, एक नीचे किचन था एक ऊपर किचन है, नीचे भी आपको सारा मटेरियल मिलेगा। एक कवर्ड किचन है, एक ये ओपन किचन यहाँ हमने बनाया है, और बाहर भी पूरी आपको फॉर सेलिंग मिलेगी। ये पार्टी वगैरह आपको करना हो, यहाँ बढ़िया सेटिंग एरिया बना दिया, गमले लगा दिए, तो ओपन पार्टी के लिए है जी, एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ से आप अपने पूरे नजारे भी देख सकते हैं। पीछे आप, मैं चाहूंगा दिखा दीजिए, पीछे जो है गेटेड टाउनशिप है। अच्छा चलिए अभी छत पे चलते हैं, तो पीछे का बैक का भी आपको दिखाते हैं। आइए अब छत पे चलते हैं, चलते हैं छत के एरिया पे, आपको थोड़ा वहाँ से भी दिखा देते हैं। हम लोग ऊपर चलते हैं, छत के एरिया पे आ जाते हैं। हमने छत पे काफी वर्क किया है, छत पे एक स्टोर रूम भी आपको मिलेगा, और फुल टाइलिंग देखिए की हुई है, देख रहे हैं आप जी। और आप छत दिखाइए, आप दूर से कितना बड़ा आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ आपको 100 लोग को बुलाना हो तो यहाँ आप बुला सकते हैं, और यहाँ से आप पूरा नजारा ले सकते हैं। गेटेड कॉलोनी की बात कर रहे थे, तो ये है पूरी एक गेटेड कॉलोनी, दूर दूर तक आबादी बसी हुई है, लोग रह रहे हैं। तो देवा जी जी, और कुछ बाकी इस घर में? बाकी इस घर की मैं क्या कहूँ, ये घर नहीं, ये महल है। और जो भी इस घर में आ गए उसको बंगलो वाली फील आएगी जी, पड़ोसियों के भी मामले में और लोकेशन के भी जी मामले जी में। जी ठीक है, एक स्टोर रूम की बात कर रहे थे, स्टोर रूम भी दिखा देते हैं जी। ये स्टोर रूम है इसका, तो भी आपको एक स्टोर रूम दे रखा है जी, ये फॉल सीलिंग हो गई आपकी। हाँ, स्टोर रूम में भी फॉल सीलिंग आपको मिलेगी। चलिए, और इसके ऊपर भी हमने, इसके ऊपर जाने का रास्ता बनाया, इसके ऊपर सीढ़ी एक्चुअली गिर गई है, सीढ़ी है आपका ममटी काफी बड़ा है, छत पे आराम से शाम को चाय बैठ के पियेंगे, नजारे लेंगे। सामने आपको देखिए इंडिको दिख रहा होगा, इंडिको काफी प्राइम लोकेशन पे मकान है। ये इंडिको है आपका? जी इंडिको है ये, देख रहे हैं इंडिको से जस्ट इतनी दूरी पे है, आप देख रहे होंगे। और ये हो गए इसके फ्रंट से बाहर की लोकेशन, दो मकान थे, एक ये बाहर का सेलआउट हो गया है, एक हमारा वो मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जो आप सामने देख रहे हैं प्लास्टर जो हो रहा है। दो ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, एक ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं तो इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करा सकते हैं, और वो नहीं समझ में आता तो ये तो अवेलेबल ही है। तो क्या खास ऑफर देने वाले हैं दिवाली के? देखिए दिवाली के खास ऑफर ये है कि ये फुल्ली फर्निश हम आपको देंगे उसी प्राइस में जो हमारा नॉन फर्निश का रेट था जी। क्या रेट था? रेट तो देखिए पहले हमारा 2.25 था, लेकिन एक फाइनल रेट है 1,90,00,000 में फुल्ली फर्निश के साथ। 1,90,00,000 फुल्ली फर्निश्ड जी, सोफा टीवी फ्रिज सारी चीज, डबल फ्रिज आपको, क्योंकि डबल किचन है, डबल फ्रिज डबल चिमनी सारी चीजें डबल है। प्रॉपर एड्रेस लोकेशन बता दीजिए और कॉल टाइमिंग बता दीजिए। प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो ये आपका मान के चले, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से आ रहे हैं ठीक है, तो IM रोड घटा है सीतापुर रोड से, ठीक है, IM रोड पे आपको प्रधान मैरिज हॉल दिखेगा, ठीक है, उससे एग्जैक्ट 400 मीटर की दूरी पे ये मकान है। तो देवा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पूरे घर की डिटेल दे रहे थे, बाकी आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जी। फैमिली को बाय करिए और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल, आपके फैमिली से हम जल्दी मिलेंगे आपके वीडियो के।